ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव द्वारा हम सभी बच्चों को अमर भाव का वरदान प्राप्त है। यूं तो यह सारा संगम युग ही अमृतमय है, इसका हर पल अमृत वेला है। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त का सतोगुणी समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए संकल्प दृढ़ता और अनुभूतियों का खजाना जमा करने के लिए भोलानाथ को रिझाने के लिए और वरदानों द्वारा विशेष खातरी करवाने के लिए निश्चित किया हुआ है। तो ऐसा अमृत वेले का पवित्र पावन समय, शक्तिशाली समय, जब स्वयं भोलानाथ भगवान अपने सर्व खजानों के भंडारे हम बच्चों के लिए खोल देता है, ऐसे समय पर बाबा कहते, बच्चे व्यर्थ की क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे की क्यों में चले जाते हैं। कोई मांगते हैं, कोई शिकायत करते हैं, कोई उलाहना देते हैं, कोई वकालत करने लगते हैं। तो अब यह बात पक्की कर लो कि अमृत बेला व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहकर स्वयं को भरपूर बनाने के लिए एक भोलानाथ बाप की याद की लगन में मगन रहेंगे। एक भोलानाथ से जो प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को स्मृति में रख, बार बार उनका मनन चिंतन कर, खुशी में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, जिसके लिए बाबा ने विशेष महावाक्य उच्चारे। बाबा कहते, अमृत बेले के समय व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो। अमृत बेले की रूरियान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं और दूसरे उलाहनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति से संपन्न बन गया हूं। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए, तब एक बल और एक भरोसा, वह निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटे तुम्ही से बोलूं, सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं और सुनूं, यह निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत बेले कई वकील बन जाते हैं। सतयुग में वकालत नहीं होगी, इसलिए वकील की बजाय स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हरेक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं। बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करने लगते हैं। आपने
ऐसे कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं, योद्धा की बजाय विजयी बनो। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए बाप दादा विशेष विधि बता रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले तो क्या देखा, मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे। इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं, हरेक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा, मेजोरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है लेकिन मन की लगन मधुबन की तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर का स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा है। बाप दादा ने याद के चार्ट में क्या देखा, पोजीशन और अपोजीशन दोनों का खेल देखा। यथा शक्ति हरेक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते लेकिन माया की अपोजीशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी, इसका कारण था। पहला कारण, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा कारण, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, मनन शक्ति बहुत कम है। दूसरा कारण, बाप दादा बताते शुद्ध संकल्प का खजाना जमा ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा कारण, बाप दादा बताते किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं, कुछ भी नहीं, उन छोटी छोटी बातों की कमजोरियों का कारण बहुत बड़ा समझ उनको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या, समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं वह उस पर घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती। तीसरा कारण, बाबा ने बताया किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं, कुछ भी नहीं, उन छोटी बातों की कमजोरियों का कारण बहुत बड़ा समझकर उसको मिटाने में टाइम वेस्ट करते हैं। कारण क्या है, समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्ति सुनते हैं वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती है। चौथा कारण, बाप दादा बताते अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते। इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। जो समझते भी हैं पुराने स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए धोखा खा लेते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धे देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते बहुत बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजोरिटी व्यर्थ संकल्प की कंप्लेंट बहुत करते हैं,
व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या है? सुनाया था ना, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत बेला रोज अपनी दिनचर्या तन की मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह यह कार्य करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज होनी चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत बेले का जैसा श्रेष्ठ समय है वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन विशेष यह वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत बेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट निकलती है उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तू आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने में सारा समय बुद्धि बिजी रहेगी, व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगा देते हो। अच्छा, तो ये थे अमृत वेले के लिए विशेष बाबा के महावाक्य, जो बाबा ने अमृत वेले की समस्याएं और उनके निवारण के लिए हम बच्चों को सुनाए। ऐसे ही और अमृत वेला के विशेष महावाक्यों का मनन करने के लिए प्लेलिस्ट में अनेक वीडियो हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करना ना भूलें। अच्छा, ओम शांति।